हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सी एसक्यूएल सेट ऑपरेशंस। और उसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे यूनियन ऑपरेटर। जब हमने रिलेशनल एलजेब्रा पढ़ा था तो उसमें भी हमने सेट ऑपरेशंस पढ़े थे। सिमिलरली बिल्कुल सेम वे में सेट ऑपरेशंस वर्क करते हैं इन एसक्यूएल। सो सबसे पहले तो सेट ऑपरेशंस के लिए यूनियन कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, which means each select statement must have same number of columns and column must have same data types and column should also be in same order. Now what is the purpose of union operator is, union operator returns the record retrieved by either of the queries. So agar main do queries likhta hu, select employee from employee table, यूनियन सिलेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल, एंड सपोज एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट आर यूनियन कंपेटिबल। सो दोनों में से जितने भी रिजल्ट आएंगे उन दोनों का मर्जर होके मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। सो इट कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ टू और मोर सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। अब इसका जो सिंटेक्स है वो ऐसे होता है, सिलेक्ट कॉलम वन कॉमा कॉलम टू from table 1, then use union, select column 1 comma column 2 from table 2. This is the syntax of union operator. But union operator ke ek feature hai, iski property hai that it removes the duplicate value. It removes the duplicate values. अगर आपको duplicate values को retain करना है then instead of using union use union all. Syntax बाकी का same रहेगा, select columns from table 1, union all, select columns from table 2. Union all का यूज करके आप डुप्लीकेट वैल्यूज को रिटेन कर सकते हैं। सो एक एग्जाम्पल क्यूरी लिखते हैं, सिंपल क्यूरी लिखते हैं इसकी। हम सिंपल सी एक क्यूरी लिखते हैं कि जिसमें एम्प्लॉय नेम और जॉब हम रिटेन डिस्प्ले कराएंगे दो टेबल से, एम्प्लॉय वन एंड एम्प्लॉय टू। दो टेबल से एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय टू, इनमें से हम एम्प्लॉय नेम और जॉब के कॉलम्स को यूनियन करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब फ्रॉम ई एम पी वन, यूनियन सिलेक्ट ई नेम कॉमा जॉब from EMP2. अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कॉलम्स का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। कॉलम्स के नेम अगर डिफरेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड अगर आपको इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज को रिटेन करना है तो यूज यूनियन ऑल। Now let's see the demonstration of union operator in Oracle 11g database. Of union operator, which is one of the SQL set operations. For the demonstration purpose, I have created two tables. One is employee 1 and one is employee 2. So first let's see the contents of table employee 1. एक बार दोनों के कंटेंट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि दोनों में जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो देखिए एम्प्लॉय वन में दो कॉलम है, ई नेम और ई आई डी और कुछ वैल्यूज हैं। सिमिलरली एम्प्लॉय टू में भी दो कॉलम है और उसमें भी कुछ वैल्यूज हैं। तो अब हम देखते हैं अगर मैं इसमें यूनियन ऑपरेटर लगाता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा। अब मैं कमांड लिखता हूं उसका, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसमें।
तो पहली स्टेटमेंट में मैंने लिखा सिलेक्ट ई नेम ई आई डी फ्रॉम एम्प्लॉय वन, उसके बाद यूनियन सिलेक्ट ई नेम ई आई डी फ्रॉम एम्प्लॉय टू। अब इसको जब हम रन कर रहे हैं तो आप देखें यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, एम्प्लॉय नेम ए वन, ए फाइव, बी टू, बी सिक्स, सी थ्री, डी फोर, ई सेवन एंड एफ एट। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं रिजल्ट आ रहा है दोनों टेबल्स में से। अब अगर मैंने सिर्फ ई नेम को डिस्प्ले कराया होता तो इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू अपने आप रिमूव हो जाती। एक बार हम देखते हैं सिर्फ ई नेम को डिस्प्ले करा के देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यूज हैं वो रिमूव हो गई हैं। अगर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को रिटर्न करना चाहते हैं तो इसमें आपको यूज करना पड़ेगा यूनियन ऑल, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज रिटर्न है, पहले एम्प्लॉय वन क्या है फिर एम्प्लॉय टू का रिजल्ट आया। तो इस तरह से आप यूनियन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। और जो हमने कहा था कि दोनों में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स और सेम डाटा टाइप होना चाहिए वो भी बहुत जरूरी है। एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, जिसमें मैं पहले वाले में ले रहा हूँ वेयर कैर टाइप का डाटा कॉलम और दूसरे में मैं लेता हूँ नंबर टाइप का कॉलम और देखते हैं कि क्या हम उसको यूनियन से कर सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे एरर आ गया। सिमिलरली अगर मैंने इसमें नंबर कॉलम्स भी अगर चेंज कर दिए होते तो देखते हैं एक बार उसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पे भी एरर आ रहा है कि इनकरेक्ट नंबर ऑफ रिजल्ट कॉलम्स। सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म यूनियन ऑपरेशन ऑन टू डिफरेंट सिलेक्ट स्टेटमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन एसक्यूएल एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स। थैंक यू।